मुझे गलत तो नहीं समझ रहे ना? मैं मजबूर हूँ। अब इस उनकी तरह आपकी सारी यादें बह जाने दूंगी। लेकिन तो क्या हुआ? मेरे दिल में तो आपकी मोहब्बत हमेशा रहेगी। हीरा, प्यार में बहुत ताकत होती है, चाहत जरूर आएगी। Think practical यार, वो उसकी evil stepmom, वो ये शादी की बात उस तक पहुंचने भी नहीं देगी। मीरा, मीरा हमारा प्यार तो वो प्यार है जिसने प्रयाग पुष्प को खिलने तक मजबूर कर दिया है। चाहत आएगी, उसे आना ही होगा। भगवान जी, आप प्लीज कुछ ऐसा मैजिक कर दीजिए कि ये शादी वाली न्यूज़ चाहत को पता चल जाए। अब इन दोनों को अलग मत खींचेगा, प्लीज भगवान जी। नौजुबिल्लाह, ये लड़की तो पूरी तरह से हाथ से निकल गई है। जो आपने इस दीवार पर से नील का नाम मिटाया था। रुखसाना, रुखसाना जी, मिटाओ ये नाम दीवार से। एक मिनट रुखसाना जी, प्लीज मत मिटाइए। नील का नाम तो हमेशा के लिए मेरे दिल पर लिख लिया है, वो कैसे मिटाएंगी आप? नील? कौन नील? वो ध्यानी परिवार का लड़का जो आज अपनी पुरानी महबूबा कश्मीरा से शादी कर रहा है। चौंक क्या रही हो चाहत? मैं तो हमेशा से जानती थी कि इस नापाक मोहब्बत का नतीजा यही होगा। अरे, तुमसे जुदा हुए अभी उसे एक दिन ही हुआ है और उसकी मोहब्बत हवा के साथ रुख बदलने लगी और तुम यहाँ बेवकूफों की तरह दीवारें गंदी कर रही हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रही हैं ना मिसेस बेग, मैं जानती हूँ नील ऐसा कभी नहीं कर सकते। हटिए यहाँ से, मुझे इनके पास जाना है। याद है ना तुम्हें? तुम्हारी एक गलती और ध्यानी घर में ऐसा धमाका होगा कि तुम्हें सर आंखों पर बिठा कर रखने वाला तुम्हारा वो बाबा, उनके चीथड़े समेटती रहोगी तुम। बड़े आए मजहब की दीवार गिराने वाले दोनों। जानती है मिसेस बेगम, मजहब कभी मोहब्बत का दुश्मन नहीं हो सकता। मोहब्बत की दुश्मन है नफरत, वो नफरत जिसके ठेकेदार आप जैसे लोग बने बैठे हैं। चला लो जितनी जबान चलानी है, चला लो चाहत, क्योंकि रहमत साहब तो तुम्हारे हलक से आवाज तक निकलने नहीं देंगे। इंतजार कर रहे हैं वो तुम्हारा। दुल्हन के लिबास में तैयार होकर नीचे आ जाओ। चाहत की अम्मी, कैसा लग रहा हूँ इस कुर्बानी के जोड़े में? अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ, मैं भी जानता हूँ कि मेरी शादी की खबर सुन के ना चाहत ऐसे दौड़कर आ जाएगी मेरे पास। मैंने तो सबके सामने अपने प्यार का ऐलान कर दिया है, अब चाहत की बारी है सबके सामने अपने प्यार का ऐलान करने की। और देखना, चाहत जरूर आएगी, जरूर आएगी चाहत। आप बेकार में टेंशन ले रही हैं। चाहत जरूर आएगी। चाहत नहीं आई तो मैं आपकी बेटी के प्यार में जान दे दूंगा। आपने सुना है ना, लैला मजनू, हीर रांझा, नील, चाहत। हर बाप का ख्वाब होता है अपनी बेटी को दुल्हन के लिबास में देखने का। लीजिए, आज आपका ये ख्वाब मैंने पूरा कर दिया। ओहो, कल की शौक की वजह से आज हाथ उठाकर अपनी बेटी के लिए दुआ भी नहीं मांग सकते। कोई बात नहीं, आपके हिस्से की दुआ मैं मांग लूंगी। या अल्लाह, इस बच्ची के वालिद तो अब कभी ठीक होने वाले हैं नहीं, इसलिए इसी के वालिद के उम्र के एक आदमी से इसका निकाह करवा रही हूँ। इस निकाह में बरकत अता फरमाए। आमीन। भाग जाओ चाहत, भाग जाओ मेरी बच्ची। अरे कहाँ जाएगी बेग साहब भागकर? इसका यार तो वहाँ एक हिंदू लड़की से शादी कर रहा है। यही अंजाम होता है किसी गैर मजहबी आदमी को दिल दे बैठने का। आज सारा देवप्रयाग ठहाके भरता हुआ नीलकंठ और चाहत की मोहब्बत को कुर्बान होते हुए देख रहा है। मामा जी, मैं जानता हूं कि हम नीलकंठ की शादी में जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार की शान बचाने का इससे अच्छा कोई और मौका नहीं मिलेगा। नीलकंठ को इस ब्राह्मण लड़की से शादी करनी होगी। लेकिन अगर चाहत वापस आ गई तो? नील ने कहा है कि अगर चाहत लौट आई तो वो ये ब्याह नहीं करेगा। चाहत नहीं आएगी मामा जी, ये शादी तो आज होकर रहेगी। ये सब गलत हो रहा है। नील के साथ ये सब गलत हो रहा है। अभी भी टाइम है, हम ये सब स्टॉप कर सकते हैं। प्लीज आंटी। चुप हो जा लाटी, तुझे तो खुश होना चाहिए। तू जिससे प्यार करती थी उससे शादी हो रही है तेरी। हाँ अच्छा, नहीं मैं रेडी नहीं हूँ इतनी जल्दी। ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी शादी होने से पहले चाहत वहां चौखट पर खड़ी हुई दिखेगी तुम्हें, और अपने प्यार का इजहार भी करेगी वो। पंडित जी आरंभ कीजिए। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। ये लोकल केबल चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होने वाला है ना? जी मैम। आखिर आवाज़-ए-हिंद पार्टी की लीडर के यहाँ शादी है। अच्छा, आप एक काम करें, आप उस तरफ कवर करें। आप तशरीफ रखिए। आखिर ये तमाशा ध्यानी खानदान वालों तक भी तो पहुँचना चाहिए। खुशामदीद, खुशामदीद। तशरीफ लाए। वैसे रहमत साहब, एक बात की फिक्र मुझे खाए जा रही है। क्या बात है गजाला, कोई परेशानी है? जी, मैं अपनी बच्ची का हाथ आपके हाथ में दे तो रही हूँ, लेकिन कहीं निकाह के बाद आप मुझे अम्मी तो नहीं बुलाएंगे? अम्मी जान। आपने तो डरा ही दिया था बाजी। आपके खूबसूरत लिबास पे जचने वाला हम आपके लिए एक तोहफा लेके आए हैं। ये मैं कैसे, या अल्लाह, रख ही लेती हूँ। शुक्रिया। बेग साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे आप तो किसी काम के रहे नहीं, लेकिन ये देखिए, आपकी बेटी जाते जाते मेरी खोई हुई शान और शौकत लौटा के जा रही है। और अपना दाहिना हाथ आगे करें, कन्या भी अपना दाहिना हाथ वर के हाथ में रखें। मैंने कहा ना तुमसे, वो आएगी, तुम घबराओ मत, मुझे चाहत पर पूरा भरोसा है। ओम जजांग्रतो दूरमुदयति देवं तदुसुप्त सततैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः। माशाअल्लाह, संगमरमर की तरह तराशी हुई दुल्हन नसीब हुई है आपको भाईजान। आ गए काजी साहब तुम्हारा निकाह पढ़ने। बस अब चंद ही लम्हों में तुम हमेशा के लिए रहमत साहब की हो जाओगी। खुश हो ना? उस हिंदू लड़के से तुम्हें हमेशा के लिए दूर करके मैंने तुम्हें दोजख की आग से बचाया है चाहत। आइए बाजी। जी चलो। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। This is too much यार। तो फेरे भी शुरू होने वाले हैं। कब आएगी चाहत? वो आएगी। अगर नहीं आई तो शादी मुबारक हो नीलकंठ। आया। फिर ही शुरू करिए, मुहूर्त बीता जा रहा है। चल नवेली, गठबंधन कर दे। हाँ माँ, जा जा। दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। नहीं मीरा आएगी वो। मेरी चाहत आएगी, जरूर आएगी। तो चोरी की आएगी। अब तो मेरी नवेली इस घर में महताइन बन के आएगी। अब आप आखिरी और सातवां फेरा पूर्ण कीजिए। नीलकंठ रुक क्यों गए? सातवां फेरा लो। अरे वो लड़की नहीं आएगी। फेरा शुरू करो। अपना वचन पूरा करो नीलकंठ। नहीं नहीं, मेरा प्यार कभी हार नहीं सकता। अगर मैं तुम्हारा नहीं हो सकता ना, तो मुझे जीना भी नहीं है। नील, नील, what are you doing? नील, मीरा छोड़ो मुझे। मीरा छोड़ो। नहीं, नहीं, मीरा छोड़ो। छोड़ो मुझे। गजाला उसकी शादी उसके बाप की उम्र के आदमी से जबरदस्ती करा रही है। उसे बचा लो, उसे यहाँ से ले जाओ। गजाला, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम्हारा इंतजार कर रही है। ए लड़की, चुप। आज जहां मैं खड़ी हूं ना, आप सबको यहाँ खड़ा रहना चाहिए उसकी मदद करने के लिए, लेकिन आप लोगों की आंखों में तो नफरत की पट्टी बंधी हुई है। थैंक गॉड कि इस परिवार में नेल्सन जैसा एक आदमी तो है जिसे प्यार का असली मतलब पता है। वो प्यार जो रिलीजन से ऊपर है। नील नीलकंठ आपके घर के लिए निकला है। आज किसी भी हालत में वो बचना नहीं चाहिए। आप फिक्र ना करें प्रमुख आलेख जी, नील ने यहाँ आने की जुर्रत कर तो ली है, लेकिन वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये तो कयामत के आसार हैं।